नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कपड़े देरी से सिलने पर एक युवक की दर्जी से कहासुनी हो गई। इसी बीच दर्जी ने अपने भाई के साथ मिलकर युवक के सीने में कैंची घोंपकर उसकी हत्या कर दी है और दोनों मौके से फरार हो गए हैं। शोर शराबा होने पर आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। केराना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छड़ियान निवासी 38 वर्षीय साहिद उर्फ कालू ने 1 जुलाई को मोहल्ले में ही स्थित नाज टेलर्स नाम से इमरान व हारून की दर्जी की दुकान पर पैंट शर्ट सिलवाने के लिए दिए थे। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे साहिद मोहल्ले के 2 युवकों के साथ कपड़े लेने के लिए नाज टेलर्स की दुकान पर पहुंचा। तब तक कपड़े नहीं सिले थे। इस बात को लेकर दर्जी इमरान और साहिद के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद इमरान और हारून ने युवक के सीने में कैंची घोंप दी, जिससे युवक गंभीर होकर गिर गया और आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पीड़ित के साथ गए राशिद और नाजिम ने शोर शराबा किया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल को CHC केराना में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर SP संतोष कुमार सिंह, COCT श्याम सिंह और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की सूचना पर मृतक पक्ष के लोग कोतवाली पहुंचे और SP संतोष कुमार सिंह के साथ मिलकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल दोस्तों पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस दोस्तों हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पता नहीं इस समय लोगों को क्या हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर इतना दोस्तों मामला बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं और गुस्से ही गुस्से में एक दूसरे की जान ले लेते हैं। बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। ऐसे मामले हर रोज दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।